Hello students, welcome you all again in the lecture of CRO. I, Dr. Shivangini Saxena Maurya, Assistant Professor in Electronics and Communication Department, Sage University, Indore. With the continuing of previous two lectures, I am continuing the third lecture of the CRO. Working of the CRO. देखिए ये मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था सीआरटी के बीच में. अब ये उसके जो बहुत ही माइन्यूट से सिग्नल्स जो हम लोगों ने वहां नहीं देखे थे, ये पूरे पार्ट्स हम लोग यहाँ पर समझा रहे हैं. यहाँ देखिए ये वर्टिकल एम्पलीफायर है जो कि मैंने आपको पहले बताया था. हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, सिंक. सिंक मीन्स जहां पर हम दोनों सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं. ये वही सॉटूथ जनरेटर है जहाँ टाइम पे जनरेटर हम लोगों ने ब्लॉक लगाया था. ये ऑसिलेटर है और ये ब्लैंकिंग सर्किट है. यहाँ पर हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं. देखिए ये पूरा सीआरटी है. ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है जो कि वाई के फॉर्म में दिख रहा है. ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है जो कि एक्स के फॉर्म में है. और ये पूरा स्क्रीन है. ये वो एनोड्स है जहां पर हमारा सिग्नल एक बीच में ट्रैवल करके जा सकता है. तो यहाँ पर ग्रिड्स बनाई हुई हैं. ये यहाँ पर इनपुट सिग्नल है. ये वर्टिकल डायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली हम वर्टिकल प्लेट्स पर भेज रहे हैं सिग्नल को. ये वर्टिकली एम्पलीफायर पर हम वर्टिकल सिग्नल भेज रहे हैं ताकि वो एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल मिले. सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे भी और डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद ये सिंक एम्पलीफायर क्या कर रहा है, दोनों सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज कर रहा है सो दैट वी कैन सिंक्रोनाइज द सिग्नल इन द सीआरटी. यहाँ पर एक्सटर्नल सिंक्रोनाइज ट्रिगर इनपुट है जो ट्रिगर इनपुट का ब्लॉक हम लोगों ने लगाया था. ब्लॉक डायग्राम ये सेम है पर इसको और स्पेसिफाई करके यहाँ पर बताया हुआ है. ये सेम है जो कि हम लोगों ने पहले दो लेक्चर्स में पढ़ा था. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नल्स वर्टिकली डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि हमको वर्टिकली डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन से हम पूरा एरिया कवर कर रहे हैं सिग्नल से. तो द मेन फंक्शन ऑफ द एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल. वीक सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफाइड सिग्नल कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड सिग्नल. जो सिग्नल्स की हमें नीड है, जो सिग्नल्स हमको रिक्वायर्ड है, वही सिग्नल जो है वो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल के फॉर्म में मिलता है. अगर हमको कोई इनपुट सिग्नल एग्जामिन करना है तो दैट इज पेनिट्रेटेड इनटू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट थ्रू द इनपुट अटेन्यूएटर एंड द नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस. बहुत सारे एम्पलीफायर स्टेजेस होते हैं क्योंकि जब सिग्नल क्रॉस करता है, जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो कहीं ना कहीं स्प्रेड होता है और वीक होता है. तो हम हर स्टेज पर एक एम्पलीफायर लगाते हैं सो दैट हमें आउटपुट पर एक स्ट्रॉन्ग एम्पलीफाइड सिग्नल मिले. सो दिस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. जैसे तरीके से हम लोगों ने वर्टिकल डिफ्लेक्शन का यूनिट पूरा परफॉर्म किया है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का भी यूनिट पूरा परफॉर्म होता है एंड इट एम्पलीफाइज अगेन द वीक इनपुट सिग्नल. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट. वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकली सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है और डिफ्लेक्ट कर रहा है. हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई कर रहा है और डिफ्लेक्ट कर रहा है. So horizontal deflection plates are penetrated by a sweep voltage that gives a time base. And by seeing the circuit diagram, sawtooth sweep generator is triggered by the synchronizing amplifier. Okay, जैसे मैंने आप लोगों को sawtooth generator के बारे में बताया था. Now sweep selector switches in the internal position जो रहती है सर्किट के, उस पर हम sweep selectors use करते हैं. यहाँ पर आप देखिए स्विचेस लगे हुए हैं जो कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि वो किसके थ्रू स्वीप जनरेट कर रहा है. ओके, सो द ट्रिगर सॉटूथ जनरेटर गिव्स द इनपुट टू द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म. हम लोग कुछ मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जिसके थ्रू इनपुट सिग्नल हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है. सो विल डिस्कस चार टाइप के यहाँ पर स्वीप्स हैं. एक है रेकरेंट स्वीप, दूसरा है ट्रिगर्ड स्वीप, ड्रिवन स्वीप एंड नॉन सॉटूथ स्वीप. सो इन द रेकरेंट स्वीप क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ इट सेज द सॉटूथ इज रिस्पेक्टिव दैट इज अ न्यू स्वीप इज स्टार्टेड. जैसे ही हमारी जो वेवफॉर्म है
इस तरीके से मूव करती है, ऐसे मूव करती है और यहीं पर फॉल होती है, और उसके बाद फिर से मूव करती है और यहीं पर फॉल होती है। इसको हम कहते हैं कि रिकरेंट रिकरेंट, क्योंकि वो इसी पोजीशन से फिर से रिकवर हो रही है, रिकर हो रही है और उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़ रही है। सो एज द नेम इट सेज दैट द सॉटूथ इज रेस्पेक्टेड, दैट इज अ न्यू स्वीप। जैसे यहाँ से हमने न्यू स्वीप लिया, इज स्टार्टेड इमोडेस्टली एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्वीप। जैसे ही ये वाला स्वीप था यहाँ पर एंड हुआ, तो यहीं से हमने दूसरा स्वीप स्टार्ट किया, फिर वो यहाँ पर एंड हुआ, हमने यहीं से उसका दूसरा स्वीप स्टार्ट किया। So, if the input signal is periodic, the sweep repetition rate, अगर हम periodic signal है ये, तो ये जो चीज है, ये sweep जो है वो repeat करेगा at a rate can be adjusted to display a few cycles of the waveform। और वो किस रेट से इस चीज को repeat करेगा, ये हम उस तरीके से adjust करेंगे कि हम cycles को analysis कर पाए, observe कर पाए और recognize कर पाए। So they have a few frequency ranges, कुछ frequency ranges है उसमें। So relatively wide range continuous frequency control within a given range, एक बहुत wide range continuously एक frequency को control करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग working of CRO को explain कर रहे हैं। आगे भी मैं आपको कुछ lectures में दूसरे steps पढ़ाऊंगी। Thank you so much.